नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुदस्से। बहुत धम्म के विरुद्ध, कोई आचरण नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, कभी शराब वृक्ष मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, क्रांतिकारी नहीं जाता है, सब अपनी कुर्सी की बात रखने के लिए जाते हैं। इस कुर्सी के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया है और संघर्ष करके हमको एक आजादी दी है, संविधान की आजादी जो देने के बाद जब हम लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला तो हम सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद हमारे साथ क्या हुआ आपने देखा होगा कि आज क्या हो रहा है। मगर हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को समझने के तैयार नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पूर्ण रूप से मानने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के अंदर क्या किया कि आप बुद्ध बन जाए। मगर हम लोग तो कह रहे थे कि दो नावों में हमने पैर रख रखा है, मुझे लगता है कि दो नहीं तीन चारों में रख रखा है। बहुत से लोग तो और भी जाते हैं, देखने कहा जाते हैं, क्योंकि भगवान की उनको एक आशा चाहिए। और मेरा मानना है कि भगवान को दो प्रकार के लोग मानते हैं, कायर और लालची लोग मानते हैं, और कोई नहीं मानता। बुद्ध ने भगवान को नहीं माना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं माना, हमारे महापुरुषों ने नहीं माना। हमारे महापुरुषों ने कहा कि माना मानव एक समान की बात होनी चाहिए, कि सब पाप से एक वर्णन कुछ से उपसंपदा से चित्त परियोदपन शासन, यानी सभी पाप कर्मों से दूर रहो, सभी शुभ कर्मों की जो दौलत है उसको संचित करो, यानी शुभ कर्म करो, और अपने मन को नितांत निर्मल करो। बस यही बुद्धों की देशना है, यही बुद्धों की शिक्षा है। और इसके लिए तथागत ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, अत्तदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और केवल कहा नहीं, उन्होंने अपने जीवन में यह सब कुछ किया और उसके बाद लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में हमें वो रास्ता बताकर गए थे। अपने अंदर झांक कर देखो ईमानदारी, क्या हम उनके रास्ते पर चले? अगर उनके रास्ते पर चलते तो आज जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं कभी नहीं आती। और अब तो आपके पास में बहुत ज्यादा समय भी बचा नहीं है, अगर आज से भी एक तय कर लो कि न केवल मैं तथागत के बताए रास्ते पर चलूंगा, बाबा साहब का सच्चा अनुयायी बनूंगा, बल्कि अपने परिवार और लोगों को भी जहां तक भी हो सकता है इस ज्ञान को शिक्षा को उन तक पहुंचाऊंगा, तो भी शायद कुछ बच सकता है। उस नए राष्ट्र का निर्माण इसलिए कि भारत के संविधान का पहला ही लाइन पहली पंक्ति ये कहती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, मतलब भारत का निर्माण करना है जो समतामूलक हो, जो न्याय पर आधारित हो, जो मैत्री भाव पर आधारित हो, जो सामाजिक सद्भावना पर आधारित हो, जो स्वतंत्रता पर आधारित हो। ये जो भारत के निर्माण का जो संकल्पना भारत के संविधान में है,
वो किस धर्म से आया था, किस धर्म से आएगा और किस धर्म से जो है संस्थापित होगा आप बता दो। वो तर्क करने लगे, हमने कहा कि आपके हिंदू धर्म में मैत्री भाव है, कि आपके हिंदू धर्म में समता मूलक राष्ट्र की स्थापना का कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए इस भारत को हम लोग सम्यक राष्ट्र बनाने के लिए संघर्षशील और संकल्पित है, इसलिए संडे के आपके कार्यक्रम में मैं नहीं आऊंगा, हमारा खुद का कार्यक्रम मेरठ में है उस कार्यक्रम में आऊंगा। साथियों इन्हीं शब्दों के साथ जो है अपनी बात का एक एक पक्ष मैंने रख दिया, दूसरा पक्ष रख के खत्म कर देता हूँ, वो आपके लिए बहुत मौलिक है। आपकी जानकारी के लिए यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ में एक रिजोल्यूशन पास हुआ, उस रिजोल्यूशन का संख्या है 54/155 1999 54/155 1999 पहली बार विश्व के धरातल पर बौद्ध धर्म को विश्व का महानतम धर्म घोषित किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में श्रीलंका के एम्बेसडर ने एक प्रस्ताव रखा था कि 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने जब विश्व में अशांति फैल रही थी, युद्ध का वातावरण फैल रहा था, विश्व जो है दो फलक में बट रहा था, उस बीच में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भगवान बुद्ध के इस विचारधारा को व्याख्यायित कहा था कि विश्व में यदि शांति किसी धम्म मार्ग से आ सकता है तो वह धम्म मार्ग सिर्फ और सिर्फ बुद्ध मार्ग है। ये स्टेटमेंट को उन्होंने कोट किया 1986 का, इसका परिणाम यह हुआ कि इस पर चार दिन तक संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा पर चर्चा हुई और चर्चा पर चर्चा के बाद दुनिया के सभी धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग थे, आपको पता है कि 22 धर्म के लोग जो प्रमुख धर्म थे, उस धर्म के चर्चा करने के बाद भारत में ही नहीं विश्व के तमाम देशों के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि बुद्ध धर्म दुनिया का सबसे सुंदरतम धर्म है। उठो लाल ललई के जागो, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। उठो लाल ललई के जागो, उठो लाल ललई के जागो, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। मिटाना है जातिवाद नहीं, और अगर आप बौद्ध होने के बाद भी जातिवादी रहे तो बौद्ध होने का कोई फर्क नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि बाबा साहब 14 अक्टूबर को जो मंच से उतर रहे थे तो लोग पूछ रहे थे कि वो धर्म ही क्यों अपनाया बाबा साहब, तो बाबा साहब कह रहे थे कि नदियों मिलकर समुद्र बनती है, तो समुद्र है। पूछो साजा सुख दुख शोषण साजा फिर क्यों खड़ी दीवार है, साजा सुख दुख शोषण साजा फिर क्यों खड़ी दीवार है, साजा सुख दुख शोषण साजा फिर क्यों खड़ी दीवार है, बहुजन भिन्न समूहों को संग चलने की दरकार है, संग चलने की दरकार है, परिवर्तन के लिए सबको, परिवर्तन के लिए सबको हमें बढ़कर हाथ मिलाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है, लेके प्रेरणा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा हम लोग
दीक्षा लेंगे, एक साथ बाबा साहब ने जिस दीक्षा लिया था, इसको आप प्रण कीजिए। आने वाले 2025 तक पूरे भारत में, दिल्ली है रामलीला मैदान में, लखनऊ है अम्बेडकर मैदान में, ईरोड के मैदान में, धर्मतल्ला मैदान में, मुंबई आजाद मैदान में, पूरे देश में एक साथ निकलना है सफेद ध्वज लेकर हमारे अपने भिक्षुओं को। आप अपने गांव में निकलिए, अपने घरों में निकलिए, बाबा साहब का वो स्वप्न 2025 के पहले वो पूरा कर देना है। दूसरा हमारा एक कार्यक्रम यह है, आने वाले समय में हमको हमारी खुद की बैंक बनानी है। भीमराव साहब के अध्यक्षता में चर्चा हुई, हमारे भंते जी के संस्कृति से संबंध रखता हूँ, इसमें यह है आरबीआई ने डिक्लेयर किया कम से कम 2.25 करोड़ रुपए होना चाहिए। हमारे सारे लोग इकट्ठा हुए, हमारे जो महामंत्री बैठे हैं और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, जैसे ही आरबीआई ने, हम लोगों ने मीटिंग में कि हमारा अपनी लाख रुपया बैंक होनी चाहिए, जैसे ही हमारी फाइल वहां पुटअप हुई, लगभग 2.5 करोड़ रुपए हमने डाला, उन्होंने हमारी फाइल को साइड में रख करके उन्होंने 10 करोड़ रख दिया। अरे हराम करो, तुम 10 करोड़ की बात करते हो, हम 10,000 करोड़ इकट्ठा करेंगे, टेंशन मत। तो हमारी खुद की बैंक होनी चाहिए, हमको नारा देना है हमारे अपना रोड अपनों को, अपना नोट अपनों को। हमारे हमारे जो वकील साहब बैठे हैं, हमने चर्चा किया, उनसे कहा समय कम है, वकीलों की पूरे देश में टीम बननी चाहिए। तो तीसरा हमारा ये है अंतर जाति विवाह, अब जाति तोड़ो, वर्ण तोड़ो, फिर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, काहे का भारत जोड़ो। एक हम आज 20-25 साल से सारे SC ST OBC में काम शुरू कर दिए हैं, आप पश्चिमी लोग आप काफी पीछे हो, हमारे पूर्वांचलों में हमने तमाम विवाह जो है अंतर जाति शुरू कर दिया है। और चौथा, हाँ चौथा जो कार्यक्रम है, पूरे देश में इतने सब बड़े बड़े उद्योगपति मेरठ में है, आप लोग सब इकट्ठे होइए, आप खुद का माल बनाइए, 10 उद्योगपति मिलकर माल बनाइए। हमारे देखिए वाराणसी में वहाँ बाबा साहब के नाम पे भी मार्ट बन गया, वहां पे भीमराव जी ने संबोधन किया था इलाहाबाद में, उसमें मूल निवासी मार्ट बन गया। हमारे तमाम महापुरुषों के नाम पर आप अपने अपने मार्ट बनाइए और आने वाले 2025 में पूरे पूरे भारत के जितने भी चैत्य बुद्ध विहार है उसकी जनगणना करके एक महासंघ की स्थापना करना है, 5 सूत्री कार्यक्रम है। अब एक मिनट में मेरी बात खत्म कर रहा हूँ, भगवान बुद्ध का धम्म ही धम्म है, भगवान बुद्ध का धम्म सबसे सुंदर कैसे है, देखिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है हमारे भिक्षु संघ और बुद्ध की कही हुई और वाणी है। बाकी और अन्य तीनों में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो भी क्रिश्चियंस हो, उनकी जितने भी हैं, कुरान शरीफ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, सब आसमान से आई हुई किताब है, भगवान बुद्ध की वाणी उनकी यहाँ कवि वाणी है। भगवान बुद्ध के धम्म में स्वर्ग नरक का कंसेप्ट नहीं है, बाकी और जगह है। आप सोचिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं कह रहा हूं मेरी बात को मत मानो, किसी ने कहा है उस बात को मत मानो, किसी पुस्तक में लिखा है उस बात को मत मानो, लेकिन अन्य किताबों में लिखा है एको वाहन द्वितीय नाथम शरण, मैंने कहा है मेरी बात को मानो, मेरी किताबों में लिखा है मेरी बात को, मैं समझ रहा हूँ समय खत्म हो रहा है। इसीलिए भगवान बुद्ध की हर विषय भी बता दूं आपको, धम्म का जो अधिकार है, हमारी स्त्री भी धम्म में है, भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को धम्म का अधिकार दिया है। भगवान बुद्ध का धम्म ऐसा धम्म है जिसमें तर्क है, जो तर्क पर आधारित है, जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व और सामाजिक न्याय पर आधारित है, वही धम्म है। मैं तो ये देखता हूँ कि 2-3 जाति के लोग ही बहुजन समाज बने हुए हैं, डॉक्टर एनपी सिंह चाहता है 6,743 जातियों का बहुजन समाज बनना चाहिए, हर मीटिंग में प्रतिज्ञा करवाता है कि मानो संकल्प लो, ये बुद्ध की बात है, ये संकल्प लो, ये बाबा साहब की बात है कि बहुजन समाज ही हमारा परिवार है, यही हमारा समाज है और यही हमारा सम्मान है। जब इसको एक कर लोगे तो आपका वजूद होगा। मैं गारंटी देता हूँ बहुजन समाज 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज जिस दिन एक होगा ये देश तुम्हारा होगा और देश के सारे प्रांत आपके होंगे। आप मांगने वाले नहीं देने वाले बनोगे। अभी आप मांग रहे हो राशन कॉलोनी, अभी आप मांग रहे हो पेंशन, ये भी आप मांग रहे हो पदोन्नति में आरक्षण, अभी आप मांग रहे हो हिस्सेदारी, लेकिन जब ये बहुजन समाज की एकता होगी, हमारा सामाजिक वजूद होगा, तो हम मांगने वाले नहीं देने वाले होंगे और देश का शासक अम्बेडकर वादी शासक होगा, मानवतावादी शासक होगा। और ये हमें असली और नकली का भेद पहचानना होगा, हमें माई और दाई का भेद पहचानना होगा। तमाम लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब की बहुजन महापुरुषों की बात करते हैं लेकिन उनके घर में अंधविश्वास व्याप्त है, समाज में अंधविश्वास व्याप्त है, राज से बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। किसने मना किया था, माननीय बहन जी की सरकार आई, जीरो बैलेंस पर उच्च शिक्षा में शिक्षा दी गई, तमाम शासक आए, कितने किसने मना कर दिया था, आप इक्वल इन कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट लागू कर देते, बेटा हो राष्ट्रपति का या हो मजदूर का, सबको हो समान शिक्षा, सब बहुजनों के लिए कर देते फ्री शिक्षा, किसने मना किया था। लेकिन इस देश में बात की जाएगी, काम नहीं किया जाएगा। आज समय आ गया है
तमाम हमारे मंच पे बैठे हुए साथी, सामने बैठे हुए साथी को समय निकालना पड़ेगा, बहुजन समाज को जागरूक करना होगा और उनको रोटी और बेटी का संबंध बनाना होगा। ये बात सत्य है, जब तक हम अपना सामाजिक बिखराव दूर करके एक नहीं होंगे, जब तक हम कमजोर बने रहेंगे, हम मांगने वाले बने रहेंगे। इसलिए आज इस बौद्ध सम्मेलन में मैं आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि यदि आप अपनी पीढ़ियों का अस्तित्व बचाना चाहते हो, अपना सम्मान, संविधान और आरक्षण बचाना चाहते हो, तो आप लोगों को घर से निकलना होगा और घर से निकल करके ये बहुजन समाज का वजूद बनाना होगा। और जाति की उपजाति छोड़ो, आपस में सब नाता जोड़ो। इतिहास में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष आता है, वहीं इतिहास में भीमा कोरे गांव का संघर्ष भी पढ़ा जाता है। जहाँ आजादी की लड़ाई आती है, वहां चमार रेजिमेंट का भी नाम आता है। जहाँ तथागत बुद्ध की करुणा की बात आती है, जहाँ रहदास स्वामी कबीर की बात आती है, वहां शहीद आजम भगत सिंह उधम सिंह की भी बात आती है। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि करुणा होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ कि शांति भी होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो सम्मान स्वाभिमान मिल गया, उस सम्मान स्वाभिमान को लेने के बावजूद भी वो अपमान का जीवन कैसे दिया जाए, जैसे उड़ीसा में आज वो सम्मान स्वाभिमान का जीवन कैसे दिया जाए। वो लोग जो धम्म का काम करने वाले लोगों को आज भी दिन दहाड़े मारते हैं, सीतापुर जिला उदाहरण है कि बहुत कथा होते हुए लोगों को उस ब्राह्मण में आकर के पूरे गाँव के लोगों को पीटा। फोन आते हैं, भैया हमें पीटा जा रहा है, किस लिए? तथागत बुद्ध का काम हो रहा है। इसमें मैं कहना चाहता हूँ, देश के महामानव सभी जो भारत में सबसे बड़ा संघर्ष चलाते हैं, इनका नाम मोहन भागवत, अभी मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा कि ढोल गवार सुन पसुनारी इस पर काम चल रहा था, अब से पहले उत्तराखंड के अधिकारी थे, आज की नई व्यवस्था में वो शिक्षा के अधिकारी हो गए। तो मैंने सुना उनका स्टेटमेंट कि शायद शास्त्रों में कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दी, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मुझे लगा कि कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, तो मैं तो निवेदन करता हूँ सर जोड़ करके, जब इतिहास की इतनी जानकारी है तो ये क्यों नहीं बताते ये सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, ये क्यों नहीं बताते ये तथागत बुद्ध का, जैसे एक बार अपने मुंह से कह दो, वहां बैठ कर कह दो कि ये देश भारत देश बुद्ध का देश है। 1907 का दलित, 1907 के दलितों ने एक चिट्ठी लिखी जनगणना आयुक्त को कि हमको हमारी जाति को, हम हिंदू नहीं है, हमको अलग किया जाए। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन दलितों की आबादी कब हुई थी? 1911 में। 1911 में 10 मानक थे, 10 मानकों के आधार पर तब के तत्कालीन जनगणना आयुक्त ने दलितों की आबादी को अलग कर दिया। और दलितों की अलग आबादी के आंकड़े थे, किसने कहीं ना कहीं दलितों को आरक्षण दिलाने का काम किया। 1931 में बाबा साहब ने कह दिया था कि ये हमारी आबादी है और हमको इतना आरक्षण चाहिए। देखिए सर, तमाम बातें होंगी और बहुत सारी खामियां होंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि दलित मूवमेंट आशावादी है, वो बहुत आशावादी है। उसके नेता निराश हो सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आशावादी है। और मेरा मानना यह है कि आने वाला समय, दुनिया इस बात को जानना चाहती है, ये दलित खाते कैसे हैं, ये दलित सोचते कैसे हैं, ये दलित करते कैसे हैं, पूरी दुनिया ये जानना चाहती है। क्योंकि अंबेडकरवाद पनपा है, बहुत मजबूती के साथ पनपा है। एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि दलित मूवमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगी सांस्कृतिक पहचान, वो होगी कहीं ना कहीं सांस्कृतिक पहचान। जो आपकी पहचान है, जो आपके कपड़े हैं, जो आपका खाना है। मुझे अगर लहसुन पसंद है, अगर मुझे प्याज पसंद है तो मैं प्याज की बात करूंगा। मुझे अगर चटकीले भटकीले रंग, एक लाइन थी द कलर्स ऑफ दलित, कल वही लोग ये कहते थे कि ये रंग क्या है, ये दलितों के रंग है। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये रंग सारी दुनिया पहनेगी। जिस हालात में आज हम खड़े हैं, जिस परिस्थिति में आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस उदासी में आज यहां हम बैठे हैं, बड़े अफसोस की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस देश में आप बुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, बुद्ध महासम्मेलन कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मित्रों, यह देश किसका है?
आप मुझे बताइए देश किसका है, किसका है देश? अगर देश आपका होता तो राजेंद्र पाल, गौतम को, बाबा साहब, भीमराव अंबेडकर के 22 प्रतिज्ञा पर मंत्री परिषद से इस्तीफा करना पड़ता। करना पड़ता बताइए, करना पड़ता क्या? तो आप मुझे बताइए, जब इस बिहार का शिक्षा मंत्री मनुस्मृति अस्पृश्यता के बारे में, सत्य शोधक के बारे में और मनुस्मृति और साथ साथ जो रामचरित्र मानस में जो काव्य लिखा गया है जिसके बारे में कहता है, तो क्या उन्हें 51 लाख रुपया में मूड़ी काटने का घोषणा किया जाता क्या? बताइए, आप लोग पूछ रहा हूं आपसे, नहीं किया जाता। आप मुझे बताइए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य उसी रामचरित्र मानस की एक पंक्ति को सिर्फ जायज ठहराते हैं, दुष्पक्ति को विरोध करते हैं, उन्हें 25 लाख 51 लाख रुपए का कई मठों से, कई संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, गुंडों के द्वारा मुड़ी काटने के लिए कहा जाता है, आपसे मैं पूछता हूँ, अगर ये मेरा भारत अशोक का भारत होता, बुद्ध का भारत होता, बाबा साहब का भारत होता, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि तलवार से आज मुंडी काटने का हमारा बात करता। बताइए, बात सत्य है कि नहीं है? तो बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा भारत रखना चाहते हो आप? क्या तुलसीदास का भारत रखना चाहते हो, राम का भारत रखना चाहते हो, या भारत के संविधान निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का भारत रखना चाहते हो? बताओ, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का भारत रखना चाहते हो तो आज बताओ, चैलेंज दे दो यहीं से। मैं कोई पाप नहीं बचा रहा हूँ, मैं कोई यहाँ सेंटिमेंट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सारी घटनाओं को मैं बारीकी से जब देखा और समझा है, तो मैं एक नाम जोड़ रहा हूँ आदरणीय भंते जी, मैं एक नाम जोड़ रहा हूँ उसमें, कि मुड़ी काटने वाला तेरी माई ने अगर दूध पिलाया है छाती का, राजेंद्र सिंह यादव का पहला सिर काटो, मैं संविधान और देश के लिए कटाना चाहता हूँ। आपके दावे की नहीं कटाओगे मुझे पता नहीं है, आप जिस हालात में बुद्ध का जयंती मनाओगे, बुद्ध सम्मेलन करोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, आप मुझे वादा करो कि आप पुराना सम्राट अशोक का भारत लाना है कि नहीं लाना है, अम्बेडकर का भारत लाना है कि नहीं लाना है, भगवान बुद्ध का भारत वापस आना है कि नहीं लाना है, और दुश्मनों को पाप के घर में भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, भेज रहा है। अपने लोग का एक बड़ा नेता है आजकल, बहुत लंबा लंबा बोलता है, वो कहता है करोड़ों रुपया चंदा इकट्ठा करते हैं। उससे एक पत्रकार ने पूछा कि बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोले, तो उस नेता जी का कहना था, जो सोच लीजिए जरा बुद्धि, कि सरकार, ये तो सरकार का काम है, आजादी के पहले लोग अपना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलते थे, तो सरकार का काम है, हमारा काम नहीं। अगर बात तो सही है कि सरकार का काम है, लेकिन सरकार अगर शिक्षा से अपने हाथ पीछे खींच ले तो इसका जवाब बताओ क्या चाहते हो, कि हमारे लोग के कोट पैंट टाई उतर जाए, जाके गांव में जो है मजदूरी करें, उनके बच्चे पढ़े, और जिससे चंदा लेते हो उनसे पूछो कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या? तो चंदा लेते हो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं अंग्रेजी स्कूल में, अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं राजस्थान में था 2-3 दिन पहले, वहां मैंने जाकर देखा, वहां अम्बेडकर संस्थान का हॉस्टल, जाकर कभी विजिट करके देखिए, मैंने वीडियो ही बनाया, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है। इस समाज ने ऐसा नहीं है कि समाज ने दिया नहीं है, एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास बहुत दिया, उतना दिया कि उतना में तो एक द्वीप खरीद के एक देश बना लिया रहता, लेकिन भाषण देंगे। और आप लोग को भी ये कह रहा हूं भाई, कि आप लोग गुदगुदी वाला भाषण में ताली पीटने का आदत छोड़ दीजिए। इस देश का हुक्मरान बन रहा है, ताली लग रहा है, कैसे बनना है जरा बताना, यूरेशिया भेज देंगे, ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, विदेशी है कैसे भेजोगे बताना जरा, पाकिस्तान से बात किए हो, बड़ा टफ बॉर्डर है, अफगानिस्तान से बात किए हो, टफ बॉर्डर है, ये फालतू के नारों से बचो। बाबा साहब की पूरी किताब पढ़ लीजिए, जो लोग
पूरा आंदोलन चला रहे हैं कि ये विदेशी है, ये मूल निवासी है और कुछ नहीं, आपको गुमराह करके आपसे चंदा वसूल रहा है। मूल निवासी का पूरा कॉन्सेप्ट जब संविधान बन गया वो खत्म हो गया। कौन भारत का सिटीजन है, द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। कौन भारत का जो है सिटीजन है, बाबा साहब ने ऑलरेडी डिसाइड संविधान में किया हुआ। तब एक नया डिस्कोर्स खड़ा करना, इसका मतलब आपको दिखाना कि देखो ऊपर कौवा है, ऊपर देखे कौवा हाथ से रोटी छीन लिया, तो गुदगुदी वाला भाषण सुन के खूब ताली बजा रहे हैं, सरकार बना देंगे, ये कर देंगे। अरे बांव के नीचे से जमीन खिसक गई। 10-20 साल ठहर जाइए, जितने पढ़े लिखे बाबू लोग हैं ना, बेटी के ब्याह करने के लिए जो लड़के नहीं मिलेंगे, दावे के साथ कह रहा हूँ, नोट कर लेना। इसलिए कि सारे कुछ निजीकरण हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिस आरक्षण से एक मिडिल क्लास तैयार हो रहा उसको पूरा नस्तनाबूद कर रहा है। पार्लियामेंट नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, कुछ नहीं करेंगे इस मुद्दे पर। शिक्षा खत्म है, रोजगार खत्म है, बेरोजगारी है, इसमें बात नहीं होगी। खाली किसमें बात होगी, हुक्मरान बनना है, संसद के गुंबद में बैठ के झंडा फहराना है और वहां से दूरबीन से अफगानिस्तान तक का शासन करना है। कितना अच्छा लगता है आप लोग सुनने में, फैंटेसी ड्रीम गर्ल फिल्म। और रात में सोते होंगे तो लगता होगा पूरा ये आरएसएस के लोग फैलाते हैं चुनाव के समय गांव गांव में और खासतौर से दलितों में और पिछड़ों में। ये मौलवी साहब पाकिस्तान चला जाएगा ना तो हवेली और जमीन तुम्हारा ही होगा, खूब गुदगुदी लगता है, हमारा ही होने वाला। आज तक 4 मुसलमान को पाकिस्तान भेज पाए। उसी तरह उसका एक दूसरा चैप्टर है, दूसरा पहलू दलित एडिशन आरएसएस का, वो सारी एनर्जी इसी में लगा रहा है कि इसको रशिया भेज देंगे, ब्राह्मण विदेशी है और आप गुदगुदी हो जाती है, चले जाएंगे तो सारा माल हमारा होगा। तो दीवा स्वप्न हटा दीजिए, कोई कहीं नहीं जा रहा है, जो इस देश में पैदा हुआ है यही रहेगा। असली लड़ाई आत्मसम्मान स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने की है, संसाधन में भागीदारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। ये मैदान इस बात का गवाह है कि हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश की गई। तुम्हारा शिवाजी महान कैसे, तो उनके साथ एक जोड़ दिया गया कि दादाजी कोणदेव की वजह से महान, जबकि दादाजी कोणदेव का शिवाजी के जीवन में कोई योगदान नहीं। तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य महान कैसे, तो जोड़ दिया एक चाणक्य नाम का कैरेक्टर, जबकि इतिहास में चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं। कोई विदेशी जितने भी इतिहासकार आए उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया। तुम्हारा कबीर इतना महान कैसे, तो जिन मनुवादियों को कबीर का जन्म नहीं पता कि कब हुआ था, वो बताते हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। जन्म की तिथि नहीं पता, विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था ये पता है। इसलिए इतिहास को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये मेरठ वो धरती है जहां कभी सर छोटू राम की विचारधारा की वजह से चौधरी चरण सिंह और भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कभी नफरतवादी राजनीति को, इशारों में समझिएगा, नफरतवादी एजेंडे को यहां पनपने नहीं दिया था। लेकिन नफरतवादियों ने एक झूठा बंगलों के बीच में दंगा करवा करके उस यूनिटी को छीनने की कोशिश की। किसान आंदोलन में काफी हद तक वो दूरियां कम हुई है। यहां से शपथ लेकर के जाइए कि उन नफरत भारतीयों को पश्चिम उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे, इतना तो कम से कम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग इन मंचों से ये नहीं तय कर सकते कि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, लेकिन इन मंचों से ये तो तय कर सकते हैं कि हमारे मुद्दों के आधार पर बनेगी, हमारी विचारधारा के आधार पर बनेगी। हम पार्टियां क्या नहीं करते, लेकिन यह तो तय कर सकते हैं कि संसद में जाने वाला व्यक्ति अंबेडकरवादी होगा, संसद में पहुंचने वाला व्यक्ति संविधानवादी होगा, यह तो तय किया जा सकता है। अब छोटे छोटे अनुरोध कर लेता हूं क्योंकि समय बहुत कम है, छोटे छोटे अनुरोधों के साथ बात खत्म करूंगा। कोई बात नहीं करूंगा ये परिवर्तन वो परिवर्तन क्या क्रांति कर दो, छोटे छोटे अनुरोध करता हूं आप बहुजन समाज के लोगों से। बहुजन यूनिटी एक विषय है, ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं
मुझे इनके पीछे पृष्ठभूमि में वजह लगती है बहुजन एकता। तो मैं इसी बहुजन एकता पर बात करूंगा कि आएगी कैसे। अगर इन मंचों से इस बात को इस तौर पर समझिएगा कि एक बहुजन बोल रहा है, अगर किसी और दिशा में ले गए तो फिर आप आलोचना करते रहेंगे। अगर बहुजन एकता हम चाहते हैं तो जो चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं ये फॉर्मूला कि अगर बहुजन एकता हम चाहते हैं तो हमें इन मंचों पर सिद्धियाल चौरसिया को भी याद करना पड़ेगा, हमें इन मंचों पर संतराम भी प्रजापति को भी याद करना पड़ेगा, हमें इन मंचों पर कर्पूरी ठाकुर को भी याद करना पड़ेगा। और अगर बाबा साहब को इसे याद कर रहे हैं कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी तो सम्राट अशोक का कोई योगदान नहीं था क्या? क्यों हमारे नारों में सम्राट अशोक नहीं आते हैं? इस बात को बड़े दिल करके सोचिएगा। जिस तरीके से किसी भी जाति का व्यक्ति मंच में तलाशता है चुनाव के समय कि हमारी जाति का नेता कहां बैठा है, टॉर्च लगा के ढूंढता है, उसी तरह आपके नारों में बहुजन समाज तलाशता है कि हमारी हिस्सेदारी नारों में है या नहीं। अफसोस कि नहीं है। उस हिस्सेदारी को अपने नारों में लाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि पेरियार ललई बौद्ध बने थे और हमारे पूर्वज थे।